स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जिकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव का दोस्तों वीकली टेस्ट जो आपका आज हुआ यानी कि 19 अक्टूबर को, उसका दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आंसर की देखने वाले हैं, यानी कि आप कितना सही किए हैं आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। और जो अभी तक 19 अक्टूबर का वीकली टेस्ट नहीं दिया है तो उसका भी दोस्तों आज वीकली टेस्ट होगा, तो आप वीडियो को देख के जाइए, यही सारा प्रश्न आपको वीकली टेस्ट के एग्जाम में देखने को मिलेगा जो भी हिंदी इलेक्टिव लिए हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सबका हिंदी इलेक्टिव में जैसे कि आपको पता होगा कि 10 एमसीक्यू प्रश्न था, बाकी का बाकी 6 सब्जेक्टिव प्रश्न था। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर क्या आज के इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव वीकली टेस्ट में दोस्तों जो आपका सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था वो यह था, क्या था देखिए। सबसे पहले आपको बोला गया था कि सेक्शन है, यानी कि जितना भी प्रश्न है सेक्शन में 2 नंबर वाला था, ठीक है। और ये आपका 10 को था तो 2 × 10 कितना हो जाएगा 20 नंबर, ठीक है। तो सारा का सारा वेस्ट यूनिट प्रश्न था, यानी कि एमसीक्यू प्रश्न था। चलिए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है वीकली टेस्ट में आज, ठीक है। और जो नहीं दिए वो रहे 100% देख लीजिए, यही सारा प्रश्न आएगा। जो दे दिए वो आंसर की मिलाइए, नहीं दिए आप देख के जाइए 100% यही प्रश्न आएगा। चलिए यहाँ दोस्तों नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कवि को कविराज शिरोमणि की उपाधि मिली थी। ऑप्शन में दिया था दोस्तों पद्माकर, ठीक है, महादेवी वर्मा, देव है, सुमित्रा, नंदन पंत है। तो किस कविराज कवि, कौन से कवि को कविराज शिरोमणि की उपाधि मिली थी, तो पद्माकर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो लिख लिया है वो सही बताइएगा अगर आपका सही हुआ है कि नहीं, जो नहीं दिया फिर से बोला देख के जाइए, सारा प्रश्न यही रहने वाला, ठीक है। दूसरा प्रश्न दोस्तों पूछा है, और भारती गुंजन में गुंजरत भीर और प्रस्तुत छंद में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है। और भारती गुंजन में गुंजरत भीर और प्रस्तुत छंद में किस कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, या फिर ग्रीष्म ऋतु, या फिर शीत ऋतु। तो यहाँ पर हो जाएगा वसंत ऋतु। क्या हो जाएगा? वसंत ऋतु, जो कि उस दिन में सारा का सारा एकदम मस्त लगता है, दिन हरियाली हरियाली, ठीक है। चलिए 3 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है, संध्या के बाद कविता पंत जी के किस काव्य संग्रह में संकलित है। संध्या के बाद कविता पंत जी के किस काव्य संग्रह में संकलित है, क्या वीणा में, या ग्रंथि में, या ग्राम्या में, या भी प्लब्ध में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्राम्या में, ठीक है। मिला लीजिएगा फिर से बोल रहे, जो नहीं देखे आए दोस्तों 100% देख लीजिए, चैनल पहले सब्सक्राइब जैसे कीजिए, 100% सारा यही प्रश्न रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 4 नंबर बोलता है, सूर्य के किरण के लिए निम्न में से कौन से उपमान का प्रयोग किया जाता है संध्या के बाद कविता के आधार पर बताइए। सूरज की किरण के लिए निम्न में से कौन उपमान का प्रयोग किया जाता है, क्या केचुआ सा, या फिर ज्योति स्तंभ सा, या फिर दीप शिखा सा, या फिर बगुला सा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इसका जो आंसर लग रहा है ऑप्शन नंबर बी होगा। आपके अनुसार क्या होगा नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और मुझे अगर श्योर पता हो जाएगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अगर जिसको भी पता हो वो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है, ताकि हर एक बच्चा सही आंसर मिला पाए। चलिए नेक्स्ट, 5 नंबर बोलता है दोस्तों, रंगवे राघव का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो रंगवे राघव का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये 1923 में आगरा में हुआ था, ठीक है, 1923 ईस्वी आगरा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 5 का राइट आंसर, मिला लीजिएगा। चलिए 6 नंबर दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र गूंगे पाठ का नहीं है। गूंगे पाठ का दोस्तों कौन सा पात्र नहीं है, क्या सुशीला था गूंगे पाठ में, क्या चमेली था, क्या शकुंतला था, या राघव था। राघव भी था, चमेली भी था, और शकुंतला भी था, क्योंकि चमेली के बेटा या बेटी का नाम था शकुंतला, और राघव तो आपका ये है, और बाकी यहाँ पर सुशीला नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुशीला इसका राइट आंसर। चलिए 7 नंबर दोस्तों पूछा है, आवारा मसीहा किस व्यक्ति की जीवनी पर आधारित है। आवारा मसीहा कौन से व्यक्ति के जीवनी पर आधारित है, क्या कालिदास, तुलसीदास, शरत चंद्र, प्रेमचंद्र। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा शरत चंद्र चंद्रशेखर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर, शरत चंद्र, ठीक है। चलिए 8 नंबर दोस्तों पूछा गया है, क्या पूछा गया है, डॉक्टर नाटक किनकी कृति है। तो डॉक्टर नाटक दोस्तों किनका कृति है, क्या विष्णु प्रभाकर का, सुमित्रानंद पंत का, या रंगवे राघव का, या फिर पद्माकर का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विष्णु प्रभाकर का जो है डॉक्टर नाटक प्रकृति का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 9 नंबर की ओर, तो 9 नंबर बोलता है,
जनसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जनसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम बोला, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टेलीविजन। ठीक है, क्या हो जाएगा? टेलीविजन। ठीक है, टेलीविजन हो जाएगा इसका राइट आंसर, मिला लीजिएगा। चलिए 10 नंबर बोलता है, निम्न में से कौन संचार के तत्व है? तो संचार के तत्व कौन है दोस्तों? तो संचार का तत्व स्रोत तथा संचारक माध्यम फीडबैक, सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो यहाँ पर हम लोग 10 एमसीक्यू प्रश्न को देखे, जो कि आपका जो नहीं दिया था तो उसका तो बल्ले बल्ले, यानी कि 20 नंबर तो पक्का हो गया। जो देख लिया तो 20 में बताएगा कि कितना नंबर आया। उसके बाद दोस्तों सेक्शन भी पूछा गया है, अति लघुतरीय प्रश्न जो कि 11वां नंबर है। तरु शिखर और उन्मिया का शब्द शाब्दिक अर्थ बताइए। रंगवीर राघव की किसी एक उपन्यास के बारे में बताइए। सेक्शन सी जो कि 2x3 नंबर का, तो लघुतरीय में आता है। ये पूछा कि जनसंचार किसे कहते हैं? तो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 14 नंबर, संध्या के समय प्रगति में क्या क्या परिवर्तन होते, कविता के आधार पर बताइए। सेक्शन डी पूछा गया, क्या पूछा गया है कि यहाँ पर जो जो 5-5 नंबर का प्रश्न है, 15-16 कहता है, प्रस्तुत पंक्ति का काव्य संदर्भ स्पष्ट कीजिए। तट पर बगुले सी वृद्धा विद्या जो है, जप ध्यान में मगन, ठीक है, मंत्र धारा में बाद जिनका है सदृश गति अंतर दरुण। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका जो आंसर मिल गया बगुला सी होगा। ठीक है, कौन वाला का बगुला सी होगा? जैसे कि हम लोग अभी बोले ना किसका, ज्योति वाला हम बता दिए, इसमें देखिए बगुला सा लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा इसको। ठीक है, डी कर लीजिएगा। ठीक है, डी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा 4 का राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 16 नंबर पूछा गया है, जनसंचार के कार्यों की विस्तार पूर्वक लिखे, जनसंचार के जो कार्य क्या क्या उसका विस्तार पूर्वक लिखना। तो सारा का सारा जो सब्जेक्टिव आंसर है दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिए, 1 घंटे के बाद सारा का सारा सब्जेक्टिव आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसलिए दोस्तों चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर नहीं कीजिएगा, और वीडियो दोस्तों लाइक नहीं कर लीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों इस तरह और भी हम लोग नए वीडियो में। ठीक।